नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नसीम और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी दिल्ली में। भारत सरकार ने 1 दिसंबर से सभी टोल प्लाजा पे फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में आप अपने व्हीकल पे फास्टैग लगवा चुके होंगे या फिर नहीं लगवाया तो हमारे प्रोविजनल वीडियो देख करके आप फास्टैग लगवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फास्टैग जो आपने लगवाया है उसको कैसे रिचार्ज करना है। काफ़ी लोगों को यह समस्याएं आ रही कि उन्होंने फास्टैग तो लगवा लिया है लेकिन उसको कैसे एक्टिव करना है और कैसे उसको रिचार्ज करना है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यह सारी जानकारी देने वाले हैं। आप जब भी फास्टैग लगवाते हैं, फास्टैग लगवाने के लिए कई आपको बैंक्स मिलते हैं, यानी कि भारत सरकार ने 22 बैंक्स हैं जिनसे अनुबंध कर रखा है, जिनसे आप अपना फास्टैग लगवा सकते हैं। और फास्टैग लगवाने के बाद में आपको उसी बैंक से अपना फास्टैग रिचार्ज करना होता है। फास्टैग आपको रिचार्ज करने के लिए किसी भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं होती, इसका ऑनलाइन ही पोर्टल आपको दिया जाता है। काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट में बताया कि हम बैंक गए, बैंक वालों को खुद नहीं पता है कैसे रिचार्ज करना है। तो इसका जो सेल्फ पोर्टल आपको दिया गया है जिसके माध्यम से आप रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज करने के लिए मैं आज के इस वीडियो में आपको आगे स्टेप बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले यह आप जान लीजिए, काफ़ी लोगों को डाउट यह है कि रिचार्ज किस तरीके से होगा, किसके अकाउंट से होगा। काफ़ी लोगों के हमने कमेंट में क्वेश्चन देखे जिन्होंने बताया था कि हमारा जो फास्टैग है वह हमारे पापा के नाम पे है लेकिन हम रिचार्ज करना चाहते हैं अपने अकाउंट्स के, तो क्या ऐसा संभव है? तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं, फास्टैग आप परचेस करते हैं, फास्टैग परचेस करते वक्त वहाँ पे आपका एक वॉलेट बनाया जाता है, ना कि अकाउंट बनाया जाता है। एक वॉलेट होता है, जैसे आप पेटीएम का वॉलेट यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी कई अदर वॉलेट है मार्केट में, तो उस तरीके से एक वॉलेट होता है। उस वॉलेट में जितना भी आप अमाउंट रखते हैं उस अमाउंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं फास्टैग यानी कि टोल का भुगतान करते वक्त। तो रिचार्ज करते वक्त आपको यह ज़रूरी नहीं है कि आप उसी अकाउंट से भुगतान करें। भुगतान करने के लिए आपको एक पेमेंट गेटवे मिलता है, जैसे आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अगर कोई शॉपिंग करते हैं उसका ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, बिल्कुल सेम फास्टैग के केस में वैसे ही होता है। आपको यहाँ पे भुगतान करने के लिए पेमेंट गेटवे मिलता है जिसमें आप अपना जो भी अमाउंट रिचार्ज करना चाहते हैं उतना अमाउंट भरते हैं, उसके बाद में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या भीम UPI के माध्यम से उसको आप रिचार्ज कर पाते हैं। यहाँ पर यह ज़रूरी नहीं होता कि गाड़ी का ऑनर कौन है और किसके अकाउंट से रिचार्ज किया जा रहा है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिससे मैं आपको बता पाऊँ किस तरीके से आपको अपना फास्टैग वॉलेट रिचार्ज करना है। सरकार के नए नियम के तहत अब अगर आपके व्हीकल में फास्टैग लगा हुआ है और उसमें आपके बैलेंस नहीं है तब भी आपको दोगुना टोल टैक्स देना होगा। तो इस केस में आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप वाहन निकालें उससे पहले अपना बैलेंस चेक कर लें लॉगिन करके, या फिर आप अगर वॉलेट यूज़ करते हैं तो वॉलेट से जा करके उसको चेक कर लें। और अगर आपको बैलेंस कम है तो पहले उसको रिचार्ज कर लें, अगर रिचार्ज नहीं करते हैं तो आपको दोगुना टोल टैक्स देना होगा। फास्टैग को रिचार्ज करने के लिए मैं यहाँ पे दो तरीकों का इस्तेमाल करने वाला हूँ। पहला तरीका HDFC बैंक से, दूसरा हम पेटीएम के माध्यम से करेंगे। तो हम अभी सबसे पहले HDFC बैंक की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले टाइप कर देना है HDFC फास्टैग और इंटर कर देना है, और यहाँ पर जो पहला लिंक आएगा इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके की विंडो आपके सामने आएगी, यहाँ पे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। यदि आपको नया फास्टैग चाहिए तो यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप नया फास्टैग ले सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस जाना है तो हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जिससे आप जा करके वॉच कर सकते हैं। तो हम अभी रिचार्ज करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे लॉगिन के जो ऑप्शन है इन पे आ जाते हैं। अगर आपका कोई कंपनी है, बहुत सारे व्हीकल्स हैं, तो कॉर्पोरेट लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर रिटेल यानी कि इंडिविजुअल कस्टमर है तो यहाँ पे रिटेल लॉगिन पे क्लिक करना है। तो मैं अभी रिटेल लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इस तरीके का कुछ पेज डिस्प्ले होगा। यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम आप यूज़र हैं तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं इन केस, तो यहाँ पे फॉरगेट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यदि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा। यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताएगा किस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट होगा। यहाँ पे आपको जो ऊपर दिखाई गई 3 चीज़ें हैं, यहाँ जब फास्टैग आप ऑर्डर करते हैं उसके साथ में किट में आता है तो उसको यहाँ पे फिल कर लेना है, और व्हीकल नंबर तो आपको खुद ही पता होगा उसको यहाँ पे टाइप कर लेना है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना टाइप कर देना है, और यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा। मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो मैं लॉगिन के ऑप्शन पर आ जाता हूँ, और यहाँ पे ये कई तरीके से आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहें तो user ID से कर सकते हैं, RFID से, wallet ID से और रजिस्ट्रेशन नंबर से। तो मैं अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर से कर लेता हूँ। यहाँ पे व्हीकल नंबर टाइप कर देना है, यहाँ पासवर्ड लिख लेना है, उसके बाद में जो कैप्चर कोड शो कर रहा है इसको फिल करने के बाद लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके सामने 4 यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। योर प्रोफाइल यहाँ पे यानी कि आप व्हीकल डिटेल देख सकते हैं, और यहाँ पे रिचार्ज करना है उसका ऑप्शन आपको मिल जाता है, और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी देखने का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि जो टोल टैक्स आपने दिए हैं उसका भी डिटेल मिल जाता है। तो मैं एक बार आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। जिस भी ड्यूरेशन में आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखनी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे।
आप यहाँ पे देखेंगे जिस भी डेट को जर्नी हुई है, जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है और जो टाइमिंग है, उसके अलावा जो टोल प्लाजा है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है और साथ ही में आपको कितना अमाउंट डिटेक्ट हुआ है। रिटर्न पास का जो आप लोगों का क्वेश्चन था कि कितना अमाउंट डिटेक्ट होता है, तो आप देखेंगे सेम टोल प्लाजा पे अगर हम सेम डे में आएँ तो एक बार 40 डिटेक्ट हुआ है, दूसरी बार अगर हम आएँ तो यहाँ पर 20 रुपीज़ ही केवल डिटेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको रिचार्ज करने के बारे में बता देता हूँ। यहाँ जो रिचार्ज का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और इसमें जो भी पैसा आप रिचार्ज करते हैं वह 5 साल के लिए मान्य होता है। तो यहाँ पे जो वॉलेट आईडी है उस पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करते ही यहाँ पे देखेंगे रिचार्ज अमाउंट आपसे मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे हम 500 टाइप कर देंगे और रिचार्ज नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आर यू श्योर? यस कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे जैसे आप किसी भी अदर वेबसाइट फ्लिपकार्ट अमेजन पे पेमेंट करते हैं सिंपल, वैसे ही यहाँ पे छोटा सा पेज आ गया। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल फ़ोन पर OTP आएगा, उसको यहाँ पे फिल कर देना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो रिचार्ज का प्रोसेस है पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपने 500 रुपये जो ऐड किए हैं यहाँ पे यह ऐड हो चुके हैं। अगर यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट निकालना चाहते हैं तो यहाँ निकाल सकते हैं या फिर बैक टू रिचार्ज के ऑप्शन पे जा सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे पहले से 162 था, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 682 रुपीज़ हो चुके हैं, यानी कि 500 रुपीज़ का जो हमने रिचार्ज किया है यहाँ पे अपडेट हो चुका है। यह तो तरीका था HDFC फास्टैग को रिचार्ज करने के लिए। अगर आपका फास्टैग पेटीएम बैंक से है तो आपको रिचार्ज करने का जो प्रोसेस है वह वॉलेट से करना होगा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, जिससे मैं आपको बता पाऊँ किस तरीके से रिचार्ज करना है। पेटीएम फास्टैग को रिचार्ज करने के लिए आपको पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और यहाँ पे टॉप बार पे यहाँ पे सर्च कर देना है फास्टैग और सर्च करते ही आपके पास जो पहला रिजल्ट आएगा यहाँ पे देखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला तो बाय फास्टैग, यानी कि नया अगर फास्टैग परचेज करना है यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा मिल जाता है मैनेज फास्टैग, यानी कि उसके जो ट्रांजेक्शन वगैरह हिस्ट्री आपको देखनी है यहाँ से देख पाएंगे। और एड मनी टू फास्टैग, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इस वॉलेट में खास बात ये होती है कि जितना अमाउंट आपके पेटीएम वॉलेट में है उस अमाउंट को आप फास्टैग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि टोल का भुगतान के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी अमाउंट है जैसे 47 रुपीज़ है, अगर आपको और रिचार्ज करना है तो यहाँ पे अमाउंट लिखना है। यहाँ पे जो भी अमाउंट आपको रिचार्ज करना है उसको प्रोसीड टू ऐड मनी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सिंपल है, जैसे हमने पहले पेमेंट किया उसी तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आपका फास्टैग HDFC बैंक या पेटीएम बैंक के अलावा किसी दूसरी बैंक का है या फिर आप फ़ोनपे के द्वारा रिचार्ज करना चाहते हैं अपने फास्टैग को, तो फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन करना है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप सभी बैंक के फास्टैग को रिचार्ज कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन को जब ओपन करेंगे तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कॉन्टैक्ट का है, इस पर क्लिक करना है और कॉन्टैक्ट सेक्शन के बगल में आपको भीम UPI ID का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेना है और ऐड भीम UPI ID इसके ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आपको NETC नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन डॉट अपना व्हीकल नंबर आपको टाइप करना है, उसके बाद में आपको @ प्लेस कर देना है और अपनी बैंक का नाम टाइप कर देना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आप नीचे देखेंगे HDFC बैंक फास्टैग पार्टी का नेम लिख करके आ गया है, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितना भी अमाउंट आप रिचार्ज करना चाहते हैं यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप रिचार्ज कर रहे हैं तो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आप मिनिमम अमाउंट से रिचार्ज करें, आप चाहें तो 1 रुपये से ही रिचार्ज कर सकते हैं। और जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए, आपने जो टाइप किया है स्पेलिंग बिल्कुल सही है, तो उसके बाद में आप जितना अमाउंट चाहते हैं उतना रिचार्ज कर सकते हैं और सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना UPI पिन टाइप करेंगे। आप देखेंगे ये ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसके 5 मिनट के बाद में आपका फास्टैग की तरफ से एक SMS आपको दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि आपका फास्टैग रिचार्ज हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको फास्टैग कैसे रिचार्ज करना है उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो मिलते हैं अपने नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।